अभी का ये बात तो काफी सच है. लाइक मैं लास्ट मंथ हैदराबाद में था, मैंने एक पोस्टर देखा वहाँ पे, एक द बॉय वाज टेकिंग सेल्फी विद दैट पोस्टर. आई वाज लाइक के आई वेंट देयर, मैंने बोला डू यू नो हिम, बोला या आई नो हिम, ही हैज डन 15 मूवीज इन हैदराबाद. जो जिस तरह का प्यार है आपकी, अब मैं जिस तरह देखता हूँ दो तरह के ऑडियंस है, जो आनंदी वाली फैन फॉलोइंग की ऑडियंस है, अब मोर देन 15 मूवी इन हैदराबाद. तो ये दो मूवी और दो अलग अलग भाषा पे आने वाली है, तो किस तरह देखते हो, किसका पलड़ा भारी होगा? तीन भाषा, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु. क्या लगता है तीनों में किसका वजन ज्यादा होगा? मतलब दिल से चाहती हूँ कि हर जगह ही, हर लैंग्वेज में ये मूवी बिल्कुल ही छा जाए, बिकॉज मेरे लिए भी ये मूवी बहुत स्पेशल है एंड इट्स अ बिग स्टेप. ये बहुत बड़ी मूवीज़ है. आज जब मैं सुनती हूँ कि 4,400 से ज़्यादा शोज़ होने वाले हैं, ये कितनी भी मैंने साउथ फिल्म में की, इतना बड़ा नंबर मैंने नहीं सुना है. सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग स्टेप. तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि हर लैंग्वेज में लोग देखें. एंड रही बात जो प्यार हैदराबाद से या तेलुगु इंडस्ट्री से मिलता है, वो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. एंड क्योंकि इतने सालों से वो मूवीज़ करती आ रही हूँ, तो लोगों को वो अपनापन फील होता है जो यहाँ पे आनंदी की वजह से होता है. सो आई थिंक वो कनेक्शन बन गया है उस ऑडियंस के साथ भी. एंड आई होप कि तेलुगु ऑडियंस जो है, जिन्हें फैमिली ड्रामास, जिन्हें फैमिली इमोशंस की बहुत यू नो कदर है, और वो ऐसी मूवीज़ बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो मैंने पास में की हैं, उनमें से भी काफ़ी लोगों ने फैमिली ड्रामास को बहुत ज़्यादा पसंद किया है. एंड दिस वन ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड फैमिली, सो आई थिंक पीपल विल लाइक इट. जो आपका एक किरदार था आनंदी का, वो डब हो पूरी सीरीज तेलुगु ऑडियंस के लिए, हैदराबाद के लिए स्पेशली, वो हो चुकी है ऑलरेडी एंड चार बार रीटेलीकास्ट हो गई है. एंड आई थिंक वहाँ पे मैंने काम करना शुरू ही उस शो की वजह से किया था. सो दे नो द इम्पैक्ट ऑफ आनंदी, सो दे आर अवेयर ऑफ इट. यस, एंड देयर इज वन न्यूज़ दैट लाइक अब काफी फैल रही है ये न्यूज़, जो रिप्लेसमेंट था किसी का भाई किसी की. ओहो, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? इज द वन फिल्म आई हैव स्पोकन अबाउट, लेकिन ऐसे 50 होंगे तो ये होता रहता है, इट्स नॉर्मल. इसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? रिप्लेसमेंट हुई थी, नहीं हुई थी? हाँ, ऑफ कोर्स हुई थी. एंड आई एम ग्लैड हुई थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज मैं 1920 शूट ही नहीं कर पाती, क्योंकि सेम डेट्स थी. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हुई थी. बिकॉज़ योर चॉइस ऑफ द मेकर्स चॉइस, नॉट माय चॉइस फॉर श्योर, द मेकर्स चॉइस. अगर आपके चॉइस पे रहता तो व्हाट वुड यू? आई डोंट नो, मैंने तो हाँ किया था, तो मैं शायद उसके लिए शूट कर रही होती. बट लाइक दिस से यूनिवर्स चूजेस द बेस्ट फॉर यू. जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई एम सो ग्लैड वो हुआ. एग्जैक्टली सी. इसके अलावा आने वाले समय में एनीथिंग लाइक कमिंग अप, एनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट? बहुत कुछ है, बट मैं अभी कुछ नहीं बता सकती. टू अर्ली टू अनाउंस अ लॉट ऑफ थिंग्स. मिश्रा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह के रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? इट्स टुमारो. एक्सपेक्ट पता नहीं, होप. मुझे ऐसा होप है कि कल रात को मैं ऐसे पार्टी करूँ और सोचू के वाह क्या फ्राइडे था. बट ऑनेस्टली मुझे लाइक द लव विद विच वी हैव मेड दिस फिल्म एंड द हार्ड वर्क, आई जस्ट होप कि द पीपल फील एज मच लव फॉर द फिल्म एज वी हैव फेल्ट फॉर इट, एंड दैट्स इट, यू नो. आई जस्ट होप वी हैव डन देम जस्टिस. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट बाय रीचिंग फ्राइडे. या ये एक इस दौर में आफ्टर कोविड स्पेशली, ये ऐसी फिल्म का रिलीज हो पाना जहाँ पे देयर इज नो बिग स्टार नेम इन्वॉल्व, और यू नो ऐसे सिचुएशन में इसका इतने थिएटर्स में पहुंच पाना हिंदी तेलुगु और तमिल में, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. थैंक यू सो मच.